सरकारी इदारों की परफॉर्मेंस अरसा दराज से मौजूद गुफ्तगू रही है। आज कुछ प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के बच्चे स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वो मुलाकात के लिए आए तो क्या लगे सर, हमें पता है कि बहुत सारे मुहरकात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से सरकारी इदारे इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी नहीं दे रहे। आप क्या कहते हैं, हाउ टू इम्प्रूव देम? मैंने कहा कि सरकारी इदारों की, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुरान मजीद ने एक बिल्कुल वाज़े फार्मूला दिया है। कुरान करीम ने जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी दी है ना, वैसे तो उसके बहुत से एसेंशियल्स हैं, लेकिन दो सैलियंट फीचर्स हैं कुरान रिक्रूटमेंट पॉलिसी के, वो है कवियन अमीन। यानी आप जिसको हायर कर रहे हैं, जिस भी बंदे को आप नौकरी दे रहे हैं, अपना एम्प्लॉय रख रहे हैं, वो कवि भी हो और वो अमीन भी हो। कवि इंटेलेक्चुअली, जिस्मानी तौर पे फिजिकली भी कवि हो, इमोशनली जज्बाती तौर पे भी वो कमी हो कवि हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो कवि हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी वो कवि हो, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ अप्लायंसेस यानी प्रोफिशिएंसी में भी कवि हो, वर्क एथिक में भी कवि हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्किल्स में भी कवि हो। यूं ना हो कि फाइल आई और साल हा साल वो ऑन द बैंक ऑफ द बर्नर पड़ी रहे, ये नहीं हो। यानी आपने ऐसे लोग हायर करने हैं वो हर लिहाज से मुस्तैद, अल मुस्तैद, ऑलवेज ऑन द टोस, और बहुत ही स्ट्रांग पीपल ऑफ स्ट्रांग कैरेक्टर, पीपल ऑफ स्ट्रांग माइंड, पीपल ऑफ स्ट्रांग हैबिट्स, ये फार्मूला। और दूसरा जो आंसर है वो अमीन हो, अमानतदार हो, दयानतदार हो। हां, इससे पहले ये भी मैं चीज वाजे करता हूं कि कवि हमारे यहां जिस तरह के लोग हायर किए जाते हैं, आपको पता है ना, ज्यादातर मिसफिट्स या अनफिट्स लोग होते हैं, मासवाए कुछ इदारों के। यानी ज्यादातर मेडिकली फिजिकली होंगे, लेकिन इमोशनली इंटेलेक्चुअली साइकोलॉजिकली मिसफिट्स अनफिट्स लोग हायर किए जाते हैं। और आप उनके मेडिकल बिल्स को देखें ना, और अगर रिटायर्ड बंदे जो मेडिकली साइकोलॉजिकली ही अनस्टेबल होते हैं उनको हायर किया जाता है, जिसके नतीजे में वो जो बजट होता है ना उस इदारे का, उसकी शामत आए दिन देखने में आती है। यानी फेक मेडिकल बिल्स बनाते हैं। अल्लाह गरी के रहमत करे, हमारे एक दोस्त थे, हमारे साथ योगा भी करते थे, और डॉक्टर गुलाम मुस्तफा सोलंगी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहे पोली क्लिनिक के। तो वो अक्सर कहते थे कि यार हाशिम, मैं क्या बताऊं आपको, उसको ब्रेन कैंसर हो गया था, और कहते थे कि यार 99% मैं कह सकता हूं। वो कहते थे 99%। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रहे हो? कह रहे यार देखने में तो इस तरह आता है 99% एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना पोली क्लिनिक की, उनके साथ मिलके फेक मेडिकल बिल्स अपनी पीआर को इस्तेमाल करके, जो बड़े 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 ओहदों पे बर्जमान लोग होते हैं, फेक मेडिकल बिल्स जमा कराने के लिए अपनी पीआर को इस्तेमाल करते हैं। और फिर डॉक्टर ने क्या होता है, उसमें तो काउंटर साइन ही करना होता है। तो हमारे मुल्क की खजाने को बहुत बड़ा नुकसान इस तरह ये कमजोर दिलो दिमाग वाले और कमजोर किरदार वाले लोग देते हैं। तो अल्लाह ने कह दिया कवियुन अमीन, और अमीन की बात है ऐसे लोग हों जो वाकई रियासत के वसायल को, हुकूमत के वसायल को, इदारों के वसायल को अपने वसायल समझें, उसे माले गनीमत ना समझें। ये जब तक हायर इस तरह के लोग नहीं किए जाएंगे, तब तक मेरे इदारों की न बजट बचेगा, न इदारे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह दे सकेंगे।